मेरी एक फ्रेंड है, बेसिकली उसको मिस्ट्री गर्ल बोल सकता है मैं। पापा मम्मी देख रहे होंगे, बोलेंगे कौन है मिस्ट्री गर्ल। ओके अरे जाओ एक काम कर लो, प्रेशर कुकर निकाल लो। एक प्रेशर कुकर पड़ा हुआ है, इसमें सीटी नहीं मार रहा है, दूसरा वाला निकाल लो। डन, पापा मम्मी कोर्ट रहूंगा, अपने हाथ से बना के खिलाऊंगा आप लोगों को। और बहुत तेल हो गया, पेट्रोल ज्यादा आ गया गाड़ी में मुझे लगता है। मिस्ट्री गर्ल ने खिला दिया, वहां जाके फिर मिस्ट्री गर्ल मिल ले, पराठे लेके आई थी तो वो दिया। पोलाइटनेस के लिए बोल रही हूँ, लेकिन सच में बहुत अच्छा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी नक्शे लाग रहा हूँ। दिस इज डेडिकेशन। ऑफिस वर्क फ्रॉम ऑफिस भी लाइक दिस। ब्लॉग भी एडिट हो रहा है और काम भी हो रहा है सिर्फ आप लोगों के लिए। तो आज लाइफ में पहली बार ना मैं ऑफिस से जल्दी छूट गया हूँ, एक्चुअली दूसरी बार। अभी मैं जा रहा हूँ घर, क्योंकि घर जाके मैंने और मुद्दी और चिक्की रसोई का कुछ काम करना है, वो आप लोगों को भी दिखाऊंगा मैं, जो बहुत डिलीशियस है, मतलब मेरा फेवरेट है वो। चलो सो अभी जैसे मैं पहुँच चुका हूँ घर, फ्रेश हो चुका हूँ मैं। मैंने अपना लैपटॉप यहाँ पे खोल लिया है क्योंकि थोड़ा बहुत काम भी करना है, बट सिर्फ आप लोगों के लिए। ब्लॉगिंग भी करेंगे और उसको एडिट भी करेंगे, पर हम लोग बना रहे हैं आज कुछ स्पेशल। स्पेशल क्या है, हम लोग खाना बना रहे हैं मैं और मुदित। मुद्दे और चिक्की की रसोई, उसमें आज कुछ पकने जा रहा है। अब वो पकने जा रहा है, मेरा फेवरेट है, आप लोगों को पता ही है मेरा फेवरेट क्या है। और मुदित के लिए भी हम लोग कुछ और बनाने वाले हैं, क्योंकि मुदित वो चीज़ नहीं खाता। मेरी एक फ्रेंड है, बेसिकली उसको मिस्ट्री गर्ल बोल सकता है मैं। पापा मम्मी देख रहे होंगे, बोलेंगे कौन है मिस्ट्री गर्ल। तो मैंने प्रॉमिस किया उसको कल कि ऑफिस में मैं उसको अपने हाथ का स्पेशल कुछ है जो डिश में बना रहा हूँ वो बना के खिलाऊंगा, तो वो बना लेते हैं फिर। पर उसके लिए लाना है पहले सामान, तो बड़े चलते हैं बाहर ले आएंगे सामान फिर खाएंगे। चलो तो मैं बस आके काम ही कर रहा था कि हमारे हमारे मोदी पापी आ गए हैं। आज चिराग भाई तुम मेरे से पहले पहुंच गए। हाँ यार, आज कैसा लग रहा है तू मेरे से पहले आके? आज पहली बार ना इससे पहले आया हूँ मैं, और पहली बार मैं अपने ऑफिस से जल्दी भी छूटा हूँ, तो अच्छा लग रहा है। यही हमको थर्सडे को भी करना है बस। हाँ भाई, उस थर्सडे को भी करना है, क्यों करना है वो बात की बात है, वो आपको बाद में धीरे धीरे ब्लॉग में बताते रहेंगे हम लोग। बट अभी चल भाई, नहीं भाई लेट नहीं है ना, चल चल बनाना भी है खाना बना। पहले सामान ले आते हैं, पहले हम लोग सामान ले आते हैं क्योंकि खाना बनाना है और बहुत इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि फिर लेट हो जाते हैं, फिर हम रात को लेट सोते हैं। बट हमने पापा मम्मी को प्रॉमिस कर लिया है और आप लोगों को भी कर रहे हैं कि टाइम पे सोएंगे और सुबह जिम का जाना तो है ही। जाएगा नहीं जाएगा वो बात अलग है, मैं जरूर जाऊंगा। चलो तो अभी हम लोगों ने आधा सामान इसमें लिया है और रोटी वो ले लिया है, बिकॉज रोटी बन सकती थी मगर हमारे चिराग भाई जो है ना ये बनाना नहीं चाहते, आटा गूंध लेता भाई, रोटी घर की खा लेते। मुझे आटा गूंदना आता है पर रोटी बनाना नहीं आता ना, फिर उसमें बना लेता आटा गूंदते तो सही। अब मुझे बोल रहा है कल से ना आके, कल आके पहले मैं आटा भी गूंद लूँगा। बट अभी हमको लेनी है अंडे की ट्रे और ब्रेड और जैम और दूध। तो अभी हमने ले लिया अंडे, ब्रेड और जैम और एक दूध का पैकेट। नहीं, एक किलो। तो अभी हम लोग ले आए अंडे, केला, ब्रेड, जैम और क्या है, दूध, चिप्स, नमकीन तो ऐसे खाने के लिए। नमकीन ऐसे खाने के लिए यार बताना पड़ता है स्पेसिफिकली भैया, बोलना पड़ता है। नमकीन तो वैसे भी रखती है ना खाने, अब बोलना पड़ता है स्पेसिफिकली कि चाय के साथ क्या भाई। ये मुझे इसने सिखाया कि चाय के साथ नमकीन खाओ, मतलब पहले बिस्किट खाते थे पहले नमकीन। तो अभी बनाते हैं हम लोग अपना मामला और फिर दिखाते हैं आपको, क्योंकि मैं बनाऊंगा आज। चिराग भाई पहले सबसे पहले एक काम करो, जितनी खाली बोतल है ना पानी भर दो, क्योंकि अब ठंडा पानी पीने का मन करता है भाई, अब हो गए गर्मी। पर एक बोतल बाहर रखेंगे, बाकी दो बोतल पानी फ्रिज के अंदर। बिल्कुल, क्योंकि अगर ज़्यादा ठंडा पानी पिया तो तबीयत खराब होने के आसार हैं। गला भी जा सकता है हमारा, गला भी जा सकता है हमारा, जो हम नहीं चाहते कि जाए, क्योंकि गला जाएगा तो फिर मेरी वजह से आएगी, अरे मैं जगह खराब तो उसमें फिर आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, मतलब मुझे खुद नहीं लगेगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी नक्शे लाग रहा हूँ तो मज़ा नहीं आएगा। फिर स्कूल टाइम पे हम लोग बर्फ भर के लाते थे पानी में, सोचते थे कि उससे प्यास बुझेगी, बट कभी नहीं होता था कि इतने ठंडे पानी से प्यास बुझ जाए। मगर चिराग भाई ये बात तो फैक्ट है यार, जितना चिल्ड पानी होगा ना प्यास कभी नहीं बुझती भाई, जो प्यास बुझती है नॉर्मल पानी से बुझ सकती है और कोई नहीं बुझा सकता। चिराग भाई पीछे से कुछ धोते, मतलब मैं चिराग भाई के पीछे, चिराग भाई आगे कुछ धोते हुए, मगर धो क्या रहे हैं ये चिराग भाई आप ही बताओगे कि मैं बता दूँ? समझने वाले समझ गए होंगे, खास मेरे पापा पढ़े लिखे समझ गए होंगे। चलो ठीक है, दो कार्यक्रम अपना चालू रखो। भाई साहब क्या हो गया तुमसे, काम बोला वो कर रहे हो तुम, बस प्याज वो ढंग से नहीं कर रहे हो।
से काटो, उसे बारीकी से काटना, ठीक है? सुन रहे हो? ओके। अरे जाओ एक काम कर लो, प्रेशर कुकर निकाल लो। एक प्रेशर कुकर पड़ा हुआ है, इसमें सीटी नहीं मार रहा है, दूसरा वाला निकाल लो। जरा बिस्तर उसमें दीवान के अंदर है वो। तो पहले शेफ का ऑर्डर है, प्रेशर कुकर निकालो। किस तरफ है? देख लेना बिस्तर उठा के। बताओ यार, पता नहीं है। मदीपा हमारे प्याज काटते हुए। भाई अब रोना आ रहा है भाई, क्या करूं? लोगों के लिए रो रहे हैं। माँ तेरी ऑडियंस के लिए वो कह रही कि रोते नहीं है। ऐसे रोना नहीं चाहिए, हंसते रहना चाहिए। हंसते रहना चाहिए, मैं हमेशा हंसता रहता हूँ। बाकी हम लोग बस बना रहे हैं। अब इसके बाद बनाना मैं शुरू करूंगा चॉपिंग के बाद, तो आप लोगों को वो भी दिखाऊंगा। मम्मी और पापा दोनों के दोनों खुश होंगे मुझे खाना बनाते हुए। कोर्डर जाएगा ना मेरे भाई, तो मम्मी वो अपने अपने हाथ से। डन, पापा मम्मी कोर्डर आऊंगा, अपने हाथ से बना के खिलाऊंगा आप लोगों को। तो अभी बनाते हैं। पहले इसको गर्म होने देते हैं, फिर डालेंगे इसमें तेल। प्रेशर कुकर थोड़ा गर्म हो चुका है, अब उसमें डाल दो तेल। बस बस बहुत तेल हो गया है। बहुत तेल हो गया, पेट्रोल ज्यादा आ गया गाड़ी में मुझे लगता है। अब तेल जो है हमारा पक चुका है, अब एक काम करो, अब डाल दो प्याज। प्यार प्यार से डालते रहो, डालते रहो, डरो मत। फ्लेम बढ़ा दो। तो अभी हम लोगों ने जो मेन खाना है वो बना दिया है। बहुत भूख लगी यार, क्योंकि दिन में क्या खाया था? तो मैंने सुबह बनाई थी सैंडविच, और दिन में दाल चावल बनाए थे, वो खा लिया था। और भाई ने तो ऑफिस में, क्योंकि मैं सुबह खा के नहीं गया था। पॉइंट ये नहीं कि बना नहीं पाया था, बट ये था कि लेट हो गया था इसलिए तो खा के नहीं गया था। और वहां जाके फिर मिस्ट्री गर्ल ने खिला दिया। वहां जाके फिर मिस्ट्री गर्ल मेरे लिए पराठे लेके आई थी, तो वो दिया। जो भी है मेरी फ्रेंड, जो भी है मतलब ऐसा फ्रेंड ही है, तो उससे आपको जल्दी मिलाऊंगा। उसका भी एक ब्लॉग होगा, हमने आज ही डिसाइड किया ब्लॉग कैसे बनाना है, तो उस चीज़ के लिए आप लोग रेडी रहिए। वेट करना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि अभी होली में तो बहुत सारे प्लान हो चुके हैं, है ना? बिल्कुल भाई, बहुत सारे प्लान हो चुके हैं। एक बंदे ने तो बैकआउट भी करने वाले, बैकआउट भी हाँ, हमारा एक बंदा बैकआउट करने वाला है, हमको पता है, वो हमें पता है, पर हम मना नहीं कर रहे उसको। मैंने ठीक है, जाए जी ले अपनी जिंदगी जी, तो क्या पता ना भी करेगा। हाँ क्या पता, कुछ भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है। जब खाएंगे तो आपको बताऊंगा टेस्ट। अगर मैंने किया भी नहीं गया तो भी अच्छे होंगे, तो किसी ने बनाया। आज मुझे चेक करना है कि मेरे हाथ से कितना अच्छा टेस्ट बनता है, फिर जाके मैं घर पे पापा मम्मी के लिए बनाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई, और फिर उनका रिएक्शन लूंगा। देख भाई, जो तुमने सीखा है वो घर वालों को भी दिखाना है, मतलब खिला के, मतलब अपने हाथ से बना के दिखा के और खिला के, खिला के फिर उसका घर वाले करें, घर वाले क्या, घर वाले क्या रिएक्शन देंगे फिर वो देखेंगे। चलिए पहले खाते हैं, फिर बताते हैं आपको। जो उसने बनाया मैं देख के बता रहा हूँ, जो स्मेल मेरे को आ रही है एक नंबर है। यही डिश पापा मम्मी मैं आपको अपने हाथ से खिलाऊंगा, और फिर पापा मम्मी को लेंगे रिएक्शन। तो अभी खाते हैं खाना। मैं खा रहा हूँ छोले, और ये खा रहा है छोले। वो क्योंकि एक्चुअली नहीं खाता नॉनवेज, छोड़ दिया, मतलब कुछ टाइम चुका मैंने, छोड़ चुका है कुछ टाइम के लिए, छोड़ा है नहीं, छोड़ ही चुका है। कट। सो बेसिकली मैंने जो चिकन बनाया था, अब वो टेस्ट करेंगे सर और दोनों सर के साथ, सर के साथ। और ये वो मिस्ट्री गर्ल जिसके बारे में बात कर रहा था पूरे ब्लॉग में, मैंने मिस्टिकल मिस्टिकल बोल के इसको अपना फेस नहीं दिख रिवील करना। हम लोग फेस अभी रिवील करेंगे नहीं, बाद में करेंगे, उसका भी टाइम आएगा बहुत जल्दी। चलो मैडम, तो कैसा हो रहा है? अल्टीमेट हो रहा है ना, तो ड्रॉ लग रहा है। ये तो यार बहुत टेस्टी बना है, पहाड़ी पहली बार खा रहे हैं। हमारा पंजाबी स्टाइल हमारा अलग होता है, पंजाबी को अच्छा लगा है पहाड़ी चिकन। पेशौरी लोगों को भी अच्छा लगा है, मुल्तानी लोगों को भी। सो अब मैं पूछूंगा मिस्ट्री गर्ल से, उसको लगा कैसे, कैसे लगा? बहुत अच्छा, सच में अच्छा लगा या बहुत पोलाइटनेस के लिए बोल रही हूँ, लेकिन सच में बहुत अच्छा। चलो अब ऊपर चलते हैं यार। सो बेसिकली मिस्ट्री गर्ल को खाना खिलाने के बाद अब मैं जा रहा हूँ घर, और कर रहा हूँ इस व्लॉग को एंड, क्योंकि मुझे करना है काम, घर जाते हुए भी काम करना पड़ रहा है मुझे। तो इसी के साथ इस व्लॉग को ही एंड करते हैं। अगर आपको मुद्दी और मेरा बनाया हुआ खाना और मिस्ट्री गर्ल का अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस व्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि जब भी मैं यूट्यूब पे आऊँ आप लोगों को पक्का पता चल जाए। तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर।